मिशन 2023 से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के नेताओं के सुर बदल रहे हैं, जहां हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी तो होगी, लेकिन इसका असर सरकार या संगठन पर नहीं पड़ेगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को ही आईना दिखाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक विचार के लिए काम करते हैं जी। और बड़ा परिवार है, इसलिए कुछ चीजें हर किसी की सहमति होना या उसमें उसकी राय भिन्न होना वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर जो संगठन का निर्देश होता है जी, इस अनुसार सब लोग काम में लगते हैं, काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, वो एक नेतृत्व के अंतर्गत चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर ये क्षत्रप वाली भूमिका नहीं है। हमने कोई फ्रेंचाइजी नहीं बांटते पार्टी की, जिस तरह कांग्रेस ने फ्रेंचाइजी दे रखी कमलनाथ जी को, वैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है हमारी। इसलिए हमारा जो ध्येय है वो है एक अच्छे शासन का निर्माण करना, देश में प्रगति हो, विकास हो, उन्नति हो, सुशासन हो, और विचार के आधार पर हम काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जी गुटबाजी है, और कैलाश विजयवर्गीय जी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने स्वीकारा है जी। तो मैं उनके साहस को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने सच तो स्वीकारा, क्योंकि वो पार्टी अपने आप को इतनी अनुशासित समझती है कि दीगर पार्टियां जो हैं वो उनके आगे बौ नहीं हो जाती हैं। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये तो स्वीकारी कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। देखिए, जो वो तात्कालिक परिस्थितियां और भारतीय जनता पार्टी के वर्करों पर निर्भर है, नेताओं पर निर्भर है कि क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा।